अब आ रही है। okay, so uh, so uh, 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 जिन्होंने एक ऑफिशली uh, 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 सेमिनार को अरेंज किया द टॉपिक सेल्फ बिलीव। टू ऑल पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने सेमिनार को ज्वाइन किया है आज का जो आप लोगों के लिए एक बहुत हेल्पफुल और बहुत अमेजिंग होगा सो होप्स हो कि आप इसको एंजॉय करेंगे और नेक्स्ट भी इस चीज को आगे शेयर करना पसंद करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी आ, आपके साथ एक अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ माय सर मोहम्मद अरसलान एंड आई बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चकवाल पंजाब एंड बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आल एम एन अपनौर और ऑनलाइन प्रोफेशन के अंदर मुझे अलहमदिल्ला फ़ाइव टू सेवन ईयर्स हो चुके हैं एंड आई हैव अ मल्टीपल एक्सपीरियंसेस एंड करंटली आई एम अ बिजनेसमैन और कभी भी मैंने अपने ज़ात के अलावा कोई जॉब कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मुझे किसी के अंडर काम करना पड़े मैंने ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया और इसकी सबसे बड़ी ही यही थी आई बिलीव ऑन माई सेल्फ Uh, मुझे अभी तक याद है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लाम और तब मैंने जीसी फैसलाबाद के अंदर एक आई ट्रिपल का इवेंट था उस सेशन को मैंने ज्वाइन किया था और टू डेज का वो हमारा एक ट्रिप था जो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से फोर टू फाइव पर्सन के साथ मैं एक टीम लीडर के तौर पर वहाँ पर उस सेमिनार को मैंने ज्वाइन किया और उसी की बेस्ट पर ही उन सेमिनार्स को अटेंड करते करते मेरे अंदर भी ये बिलीव पैदा हुआ कि जब ये persons कर सकते हैं तो आई कैन डू तो इसी बेस्ड पे आज ये मेरा थर्ड सेशन है जो लाइव होने जा रहा है इससे पहले जो मैं दो सेशन दे चुका हूँ वो सब आपके ऑफलाइन सेशन और इन शजीज अः आपकी यूनिवर्सिटी में जिस फैसलाबाद के अंदर भी हम ऑफलाइन सेशन को जरूर प्रेजेंट करेंगे तो so, सेशन को स्टार्ट करते हैं लेट uh, मी ओपन माई प्लेस ओके हो सब लोगों को मेरी स्लाइड्स शो हो रही होंगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ बिलीव सो सेल्फ बिलीव एक्चुअल में होता क्या है सेल्फ बिलीव एक ऐसा आपका सिस्टम है एक ऐसा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट है जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के ऊपर एतमाद करते हैं ठीक है जहां पे आप अपनी जात को वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए अपने ड्रीम्स को अपने लाइफ गोल्स को अचीव करते हैं अब दुनिया में ऐसे बहुत से ऐसे बहुत से सक्सेसफुल पर्सन हैं अगर आप उनकी बैक हिस्ट्री को आप उनकी जो उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं आप उनको सुनेंगे उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको वेरी फर्स्ट जो चीज मिलेगी वो है सेल्फ बिलीव बिल गेट्स जैसे कि आपको पता है कि वो आज दुनिया का एक नंबर वन 1% है जो अर्निंग इतनी ज्यादा अर्न करता है और कहना है कि मैंने अपने प्लान को अपने बिजनेस प्लान को 100 लोगों के साथ शेयर किया था और उन 100 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों ने उस प्लान को सुना और उन 50 लोगों में से सिर्फ 25 लोगों ने उस प्लान के ऊपर अमल करने के लिए रजामंदी जाहिर की और उन 25 में से बारह लोगों ने उस प्लान के ऊपर प्रॉपर वर्क किया इम्प्लीमेंट किया और उस बारह लोगों में से सिर्फ छह लोगों ने प्रॉपर काम करते हुए कामयाबी हासिल की और उन्हीं की बेस पे आज मैं भी कामयाब ठीक तो दीज थिंग्स इन वो सेल्फ बिलीव सेल्फ बिलीव के अंदर आपको बहुत सी अपने खुद के साथ लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जात के साथ लड़ाई लड़ते हैं देन आप अब सोसाइटी और कम्युनिटी के साथ एक लड़ाई को लड़ते हुए आ, एक अपनी गोल्स को अचीव करते हैं ठीक सो so, आज के जो हमारे सेशन का एजेंडा है, है? है और हमारा विजन क्या है सो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई वो बिलीव अवर सेल्फ हमें बिलीव इस वजह से करना है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव करें हम अपने गोल्स को हम अपने ड्रीम्स को जो भी हम जिंदगी में खुद के लिए चाहते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं वो उसके ऊपर हम बिलीव करते हुए उन चीज़ों की तरफ मूव आई स्टूडेंट ऑफ मेरे एक टीचर मुझे कहा करते थे कि आप जिंदगी में जो बनना चाहते हैं वो आप बन जाते हैं तो मुझे उनकी वो लाइन ने इतना ज्यादा क्लिक किया इतना ज्यादा मोटिवेट किया और उसी लाइंस की बेस पे मैंने कभी जिंदगी में कोई जॉब नहीं की रीजन इज डेट कि मुझे खुद के ऊपर बिलीव था हमारे पास कौन सी कॉजे होती हैं जिनकी बेस पे हम खुद के ऊपर एतम नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे अंदर वो कुछ सेल्फ मिथ्स होती हैं मिथ्स क्या है आपकी फर्स्ट है आपकी डाउट वो सेल्फ डाउट अपने ऊपर आपको एतमाद ना रहना अपने अपनी जात के ऊपर आप यकीन नहीं रखते कि मैं ये कर सकता हूं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे पास जो सेकेंड कॉज आती है वो है आपकी क्रिटिक जहां पे हम खुद अपनी जात के साथ एक ऐसी जंग को लड़ रहे होते हैं जो कभी हमने लड़नी ही नहीं है हम खुद के साथ उस चीज के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं खुद को उन चीजों के ऊपर हम वेस्ट कर रहे होते हैं जहां पे हरी बोल के जहां पे हम बिल्कुल फिट ही नहीं हो सकते मोस्टली 80 परसेंट पीपल्स आर वर्किंग फॉर डेट ऐसे लोग मजबूरन उनका वो काम करना मजबूरी है क्यों अगर वो काम को वो काम छोड़ देते हैं तो ऑफ कोर्स वो भूखे मर जाएंगे तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट मोस्टली यहाँ पे आज मुझे जो सुन रहे हैं वो सब के सब के स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर आप अपने कैरियर को स्टार्टअप करते हैं चाहे आप जो भी हैं आप मेडिकल स्टूडेंट हैं आप स्टूडेंट हैं आप बीबीए स्टूडेंट हैं आप सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं वट एवर यू आर जब आप अपने ऊपर बिलीव करते हुए अपनी ख्वाहिशा के ऊपर वर्क करते हैं अपनी चीजों के ऊपर अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करते हैं उसके लिए सबसे पहले जरूरी आपका सेल्फ बिलीव। अपने अंदर से जो डाउट्स हैं, मैं नहीं कर सकता मुझे लोग क्या कहेंगे फेयर ऑफ लॉस फेयर ऑफ रिजेक्शन ओवर थिंकिंग अगर मैंने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा अगर ये हो गया तो नेक्स्ट क्या होगा लोग क्या सोचेंगे और मोस्टली एटी परसेंट जो लोग हैं वो देखो देखी काम कर रहे हैं हम लोग ये नहीं देखते एक हैं है। कि है एक पर्सन एक बच्चा घर बैठ के महीने का लाख रुपया कमा रहा है पचास हजार रुपया कमा रहा है हमारे पेरेंट्स हमारे बड़े सब उसी की तरफ ही इंट्रैक्ट होंगे वो उसने तो इतना ज्यादा कमा तुम क्या कर रहे हो तुम भी कोई ऑनलाइन काम कर लो लेकिन हम उन्हीं की बातों की वजह से हम स्टार्टअप तो ले लेते हैं बट एक्चुअल में उस पर्सन से हम ये चीज पूछते ही नहीं है कि वो बंदा किस तरह से अर्न कर रहा है उसकी सोर्सेज क्या हैं? आया वो सही सोर्सेज को, को यूज कर रहा है या वो रॉन्ग सोर्सेज को यूज कर है ठीक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को जाने अपने आप को पहचाने कि आप क्या करना चाहते हैं वो काम कभी भी मत करें जो आप कर ही नहीं सकते और मोस्टली 20 परसेंट लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई गोल सेटिंग्स नहीं होती वो बस going with the flow, तो उन लोगों की भी कुछ ना कोई डायरेक्शन उनको मिल जाती हैं वो डायरेक्शन क्या होती हैं उन लोगों की भी जिंदगी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनकी वजह से वो काम करना चाहते हैं जिनकी वजह से वो खुद को मसरूफ रखते हैं वो खुद को मोटिवेट करते हैं कि हमने ये काम करना है और जिन 80% परसेंट लोगों की प्रॉपर उनकी प्लानिंग्स होती हैं वो लोग फेल हो जाते हैं क्यों फेल होते हैं क्योंकि वो देखो देखी काम कर रहे होते हैं तो आप जो भी हैं यू आर अ परफेक्ट आप अपनी जात के लिए परफेक्ट हैं कभी जिंदगी में आप अपनी के लिए काम करके देखें इस चीज से आपको जो खुशी मिलेगी इस चीज से आपको जो मोटिवेशन मिलेगी वो आप कभी जिंदगी में कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी अच्छा हेल्प करना आपको अच्छा लगता है दूसरों को मत, आ, रिस्क लेना दूसरों के लिए आपको अच्छा लगता है कि आप बहुत ज्यादा कम्युनिटी में काम करें आपको अच्छा लगता है कि आप एक पब्लिक स्पीकर बने आपको अच्छा लगता है कि आप खुद को यूज करते हुए दूसरों की जात को पहुंचाए जो चीज भी लगती है उस चीज के ऊपर वर्कआउट करें दो ये चीजें आपकी सेल्फ बिलीव को स्ट्रोंग आती हैं स्ट्रोंग बिलीव का क्या साइकिल है आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपको अच्छी लगती है आप लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है वो करें जब वो आप करेंगे आपको हैप्पीनेस मिलेगी उस हैप्पीनेस से आप मोटिवेट होंगे और उस की अचीव होंगे छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हुए अपने लाइफ गोल तक कंप्लीटली पहुंच सकते हैं आज अगर आप देखें हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हमने ये शो किया हुआ है प्रॉपर हमने इसके चीज ऊपर रिसर्च की है कि देर आर फोर्टी थाउजेंड प्लस पीपल्स स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होते हैं और आफ्टर डेट उनका 35 जो स्टूडेंट है सिर्फ उसको जॉब मिलती है तो ये रीजंस क्या हैं? 80 परसेंट जो ज्यादातर जो लोग हैं मोस्टली 80 भी नहीं 90 परसेंट जो लोग हैं वो इस एम के साथ स्टडीज कर रहे हैं कि हमें अच्छी जॉब मिलेगी अच्छा पढ़ना है अच्छे स्कूल अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा अच्छी स्कूल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा अच्छे ग्रेड जाएंगे, जाएंगे अच्छी, अच्छी, अच्छी सैलरी मिलेगी हमारी लाइफ सेट अगर आप महीने का नहीं आप दिन का लाख रुपए भी कमा रहे हैं और आप बाय डिसीजन कहीं पे भी आप सेल्फ डिपेंडेंट है इट्स मीन कि आप कभी भी ऐसा आप ऐसे पर्सन बन नहीं सकते जो एक खुद मुख्तार इंसान होता है आपका पैसा आपकी शोहरत आपका स्टेटस ये आपको कभी भी खुद मुख्तार इंसान नहीं बनाती खुद मुख्तारी क्या है खुद मुख्तारी वो है कि जहाँ पे आप अपनी डिसीजन को आजादी के साथ इंजॉय कर सकें जहाँ पे आप कोई भी डिसीजन लेते हुए एक सेकंड के लिए भी ना सोचें कि ये डिसीजन मेरा गलत होगा या सही होगा आपको इस चीज का डर ना हो कि मुझे कोई फायर कर देगा आपको इस चीज का डर ना हो कि मेरी इनकम डिटेक्ट होंगी आपको इस चीज का डर ना हो मुझे लॉस होगा यह है आपका आपकी फ्रीडम अब 1947 से हम लोग आजाद तो हो चुके हैं लेकिन स्टिल वी आर डिपेंड ऑन गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट सी सीट ओपन होती है हंड्रेड सीट्स हैं लाखों की लाइन लगी हुई है तो गवर्नमेंट जॉब्स आपका कभी भी हमारा कभी भी एक वो फ्यूचर नहीं हो सकती जिसके अंदर हम ये कहें कि ये हमारे लिए एक हमें हमें एक 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 सेल्फ बिलीव बता पैदा कर सकती है या एक, एक खुद मुख्तार इंसान बना सकती है अब लास्ट ईयर सॉरी दो टू ईयर्स अगर हम बैक जाएं तो कोविड जैसी सिचुएशन हमारे कंट्री में नहीं पूरी दुनिया में आ चुकी थी उस सिचुएशन के अंदर हर वो पर्सन डिस्टर्ब हुआ है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था प्राइवेट जॉब कर रहा था या वो सेल्फ एम्प्लॉयड था वो नहीं हुआ जो बिजनेसमैन था क्यों उसकी रीजन क्या है उसकी रीजन ये है कि जो पर्सन एक बिजनेस कर रहा था उसका बिजनेस चाहे किसी किस्म का भी था उसको इस चीज की परेशानी नहीं थी कि मुझे इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा या नहीं निकाला जाएगा मेरी जो शॉप है वो बंद होगी मुझे एक प्रॉपर जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा या नहीं चलना पड़ेगा ठीक तो इस तरह की सिचुएशन अगर उस टाइम पे पैदा हुई है तो केस नेक्स्ट ईयर भी पैदा हो सकती हैं तो हमें इस चीज के लिए प्रॉपर तैयार रहना है हमें अपने लिए एक प्रॉपर रिसोर्सेज को फाइंड करके रखना है ताकि ऐसी सिचुएशंस में हम कभी भी खुद को डिस्टर्ब ना करें आपने कभी एक चूंटी को देखा है एक चूंटी साल में छह महीने काम करती है और वो छह महीने अपना खाना इकट्ठा करती है वो सीजन होता है गर्मी का और सर्दियों में वो बैठ के एंजॉय करके खाती है थी? तो उसी चूंटी से हमने यही चीज सीखनी है कि हमें काम करना है लेकिन खुद के लिए करना है किसी पर्सन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ जॉब एम्प्लॉय कहीं किसी दूसरे के लिए नहीं करना खुद के लिए हमें काम करना है ताकि हम अगर नॉलेज है हमारे पास नॉलेज देखें एक बहुत बड़ी पावर है ये चीज नबी पाक ने भी इस चीज के बारे में कहा है कि अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं या आपने अगर इल्म के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं तो इस इस चीज का मतलब ये नहीं है कि आप जाके चाइना में जाके स्टडी करें इस चीज का मतलब यह है कि आपको नॉलेज जहां से भी मिलता है चाहे वो आपको एक लफ्ज ही मिलता है आप उसका नॉलेज लें लेकिन कभी उस नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कभी उस नॉलेज के जरिए आप अपना पैसा मत कमाएं ठीक तो ये चीज आपको आ, हमें इस चीज के ऊपर अमादा करती है कि हमने जो भी एजुकेशन लेनी है वो सिर्फ हमने अपने एक अच्छे इंसान होने के लिए लेनी है ताकि हम आने वाले टाइम में अपने लिए एक ले सके आज फर्क क्या है आप एक पॉलिटिशियन को देख लें हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो पॉलिटिशियन है उनकी ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है ठीक वैसे तो फेक लेकिन एक्चुअल में उनकी कोई ग्रेजुएशनस की भी डिग्री नहीं है और हम उनके नीचे लग के बैठे हुए हैं हम उनके अंडर काम कर रहे हैं वो मोस्टली जो 50 टू 60% ऑर्गेनाइजेशनज हैं वो हमारे पॉलिटिशियंस हमारे मुल्क में चला रहे हैं तो क्या एक 16 साल एजुकेशन लेने के बाद हम ये डिजर्व करते हैं कि हम एक जॉब के अंडर रह के काम करें किसी ऐसे पर्सन के अंडर रह के काम करें जो खुद इस चीज की वर्थ नहीं रखता मैं मुझे बहुत अफसोस के साथ ये चीज कहना पड़ रही है कि पैसा हमारे लिए एक ऐसी सोर्स बन चुका है कि हम इसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और ये तभी ही होता है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज अपनी एजुकेशन एक मकसद के लिए लेते हैं कि हमें नेक्स्ट जॉब मिलेगी हमने नेक्स्ट जॉब करनी है 2020 तक की जो रेशो है 50% 52 60% भी रेशो नहीं जॉब्स की तो हाउ इज इट पॉसिबल इतने ज्यादा कॉम्पिटिटेड्स में हम किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं तो क्या हमें इस चीज की जरूरत है कि हम एक नॉलेज लें हम एक डिग्री लें और एक पीस ऑफ पेपर की बेस पे हम एक जॉब की लाइन में खड़े हो जाएं या फिर यह चीज ज्यादा बेटर है कि जो भी टाइम है आर यू स्टूडेंट Are Are you a employee? Are you a a employee? housewife? करूंगा मैं आफ्टर डिग्री चीज करूँगा अब जो कुछ भी है हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर खर्च करने की सिर्फ हमारे बाले होने तक ही है जब तक हम बालिक नहीं होते शरीयत के अंदर ये चीज मौजूद है कि एक बच्चा जब तक बालग नहीं होता तो उसके एक्सपेंसेस उसके पेरेंट्स के ऊपर फर्ज है जब वो बाल हो गया तो पेरेंट्स के ऊपर फर्ज नहीं है और स्टिल हम लोग मास्टर्स पीएचडी डिग्री तक पहुंच जाते हैं और तब भी हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर कर रहे होते हैं यही यही रेशो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को इनक्रीज करी है ये रेशो कब डिक्रीज होगी जब एक इंसान एक स्टूडेंट हर वो इंसान जो अडल्ट हो चुका है जो प्रॉपर अडल्ट हो चुका है वो अपनी जर्नी को अपने प्रैक्टिकल वर्क को वहीं से स्टार्टअप ले थोड़ा थोड़ा करते हुए वो एक दिन कहीं ना कहीं पे तो जरूर पहुंच जाएगा लेकिन अगर वो थोड़े के चक्कर में वेट करता है अपना टाइम वेस्ट करता है और एकदम से जब उसके ऊपर एक पर पर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और वो स्टार्टअप लेता है तो वो काम ऑफकोर्स उसको, उसको मजबूरन करना पड़ेगा तो अपने काम को मत बनाएं। अब वो काम स्टार्टअप जिंदगी में अपने लिए आते हैं और वो कब स्टार्टअप करेंगे आप जहां पे खड़े हैं वहीं से स्टार्टअप ले लें मोस्टली आप सब लोग स्टूडेंट स्टूडेंट हैं लाइफ के अंदर मेरे पास भी बहुत ज्यादा टाइम था मैं इसी सिचुएशन से गुजर के आया हूँ मैंने भी इन्हीं चीजों को फेस किया हुआ है तो ऑफ कोर्स आज अगर सिक्स टू सेवन इयर्स का टाइम पीरियड मैं कवर करके आया हूँ तो ऑफ कोर्स मैंने अपनी जी को अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट किए अगर मैं उस टाइम पे स्टार्ट ना करता आज मेरा इतना एक्सपीरियंसेस होता आज मैं आपके सामने ये चीजें बोल पाता कभी भी नहीं तो हाउ किस तरह से पॉसिबल हुआ है जब मैंने अपने ऊपर बिलीव करते हुए अपनी जर्नी को स्टार्ट किया इन पाकिस्तान अगर बिजनेस की बात की जाए तो हमारे अंदर हमारा जो पाकिस्तान की की ग्रोथ हुई है 2017 से लेके 2022 तक पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल सर्विसेज डिफरेंट जो ऑफलाइन की मैं बात कर रहा ऑफलाइन बिजनेसेस की बात हुई है वो बहुत ज्यादा उनके अंदर ग्रोथ हुई सॉरी uh, बहुत कम ग्रोथ हुई है उसकी रीजंस क्या है उसकी रीजन ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे जो रहते हुए लोग हैं हमारे जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर लोग ट्रस्ट ही नहीं करते बहुत सी इंडस्ट्रीज यहाँ पाकिस्तान से मूवन होके दूसरे कंट्रीज में जा चुकी हैं तो जब एक इंडस्ट्री जाती है अब एक छोटी एग्जांपल मैं आपको देता हूं अब एक छोटी सी एक आयरन फैक्ट्री जिसके अंदर एक सौ एक दम सेंट्री में मुंतकिल हो जाती है उन सौ लोगों की जो रोजी है वो तो खत्म हो गई इसी तरह करते करते आप हर इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसी बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी कि आप अब पागल हो जाएंगे तो यहाँ पे आती है कि पाकिस्तान में अगर हमने रह के अपने कंट्री को अपने घर को अच्छा बनाना है खूबसूरत बनाना है तो हमें दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ मिलके काम करना होगा पाकिस्तानी पाकिस्तानी हमारे पास एक नेचुरली थिंकिंग्स नेचुरली कुछ एक्स्ट्रा चीजें पाई जाती हैं हमारे अंदर और वो क्यों है क्योंकि हम नबी पाक सलम की उम्मत है Being a मुस्लिम ठीक और बाकी अदर आप कंट्रीज को भी देख लें जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके अंदर वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी आप अरब में चले जाए क्या वहां पे फोर सीजन है वहां पे तो आपके जस्ट वन या टू सीजन आते हैं वहां पे आपकी नेचुरल कोई रिसोर्सेज आपको मिलेंगी वहां पे तो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं ठीक है थीके? तो आज आप देखें अगर यूरोप हमसे आगे जा चुका है हर पर्सन अमेरिका को हर पर्सन कहता है कि अमेरिका ये है अमेरिका वो है आज आप अमेरिका के खिलाफ अगर बात करें तो 80 टू 90 परसेंट लोग अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे और अगर उधर ही खड़े होते आप उनको कहें कि हम आपको अमेरिका का फ्रीज वीजा देंगे वो सब के सब जाने के लिए तैयार होंगे रीजंस क्या हैं द रीजन इज दैट कि वो एक वेल एस्टैब्लिशड कंट्री है वहां पे ज्यादा काम किस चीज के ऊपर होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर वो अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज कर चुके हैं जब हम अभी के अभी वहीं पे खड़े हैं इन 2021 जब कोविड आया कोविड के बाद बहुत से लोगों की जॉब्स अफेक्ट हुई बहुत से लोगों के काम अफेक्ट हुए तब लोगों को होश आया लोगों की आंखें खुली कि एक ऑनलाइन सिस्टम भी है जिसके ऊपर हम बिलीव करना छोड़ गए थे वो सिस्टम अभी भी चल रहा है वो सिस्टम है वहां पे आप अपना स्टार्टअप ले लेते हैं वहां पे आप काम करना शुरू करते हैं तो ऑफिशियली बीबीसी के अंदर पाकिस्तान नंबर थ्री रैंकिंग पे आया है इन ऑनलाइन बिजनेसेस एंड सर्विसेज ठीक लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्लोबली एवरेज ये एवरेज फिर भी फाइव परसेंट है टेन परसेंट नहीं है ग्लोबली एवरेज टेन परसेंट की है जो टू थाउजेंड ट्वेंटी एक्सपेक्टेड एवरेज है उस लिहाज से फिर भी हम पीछे हैं ठीक तो हमें किस चीज के ऊपर मूव करने की जरूरत है हमें मूव ऑन करने की जरूरत है कि हम जो कुछ भी स्टडीज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आज आप देख लें आज एक डॉक्टर uh, है आज एक बिजनेसमैन है आज एक आईटी स्टूडेंट है हर काम में, हर काम काम में 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 आपका ऑनलाइन सिस्टम इन्वॉल्व वर्क करना, तो ले करना शुरू कर दें ना आपकी उसमें कोई स्टडीज इफेक्ट होंगी ना आपकी उसमें कोई पर्सनल ग्रोथ इफेक्ट होगी ना ही आपके उस, आपके अंदर कोई ऊपर आपके ऊपर कोई बॉस होगा आप अपनी ही फील्ड में रहते हुए अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं और जब जब तक आप स्टूडेंट हैं आप तब तक एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं और एक अच्छी प्रैक्टिकल लाइफ भी स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर डिग्री आपके पास ये चीज नहीं होगी कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी कम से कम अपने फुल एक्सपेंसेस नहीं हाफ एक्सपेंसेस तो पे कर ही सकते हैं ये ऑनलाइन प्रोफेशन ऑनलाइन सर्विस एक ऐसी एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जहां पे आप मोस्टली एटी परसेंट लोग बिलीव नहीं करते और ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है The reason that हम खुद इस चीज के reason है। फिर मैं अगेन वही चीज सेल्फ बिलीव के ऊपर हम देखो की काम हैं एक बंदा एक फ्री का ट्रेंड चल पड़ा है सबके सब, सब उधर भाग पड़े हैं एक ई e कॉमर्स का ट्रेंड चल पड़ा है सबके सब उधर भाग पड़े हैं अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी मार्केट में न्यू इंट्रोड्यूस हुई है लोग उसे लाखों कमा रहे हैं सब के सब उधर भाग पड़ेंगे ये नहीं देखेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हमें इस चीज को जानने की जरूरत है अपने आप को पहचाने अपनी आप को देखें कि मैं ये काम कर सकता हूं मेरे लिए चीज परफेक्ट है या नहीं है या आपने तय कर लिया है कि मैंने ये चीज करनी है मेरे लिए परफेक्ट है मुझे मुझे यहाँ पे अपना कैरियर नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे अपने गोल्स कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं उस चीज के बारे में पर लर्न तो करें ना बगैर लर्निंग के कोई स्टार्टअप ले रहे हैं हाउ इज इट पॉसिबल क्या आप उसमें कामयाब होंगे एक डिग्री की बेस पे बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट अ पीएचडी स्टूडेंट बीइंग ग्रेजुएशन स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि अब नेक्स्ट हमने कोई नॉलेज लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक आ, टैग होगा कि यार हम क्यों नॉलेज ले रहे हैं हमने इतनी 16 साल की डिग्री ली है 18 साल की डिग्री ली है 20 साल की डिग्री ली है उसके बाद भी नॉलेज लेना है तो फिर वो सारी डिग्री का क्या फायदा देखिए वो चीजें आपकी ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि ड्यूरिंग स्टडी आपको स्किल्स सिखाए जाएं। वो स्किल सिखाए जाएं जो आगे आपके प्रैक्टिकल तौर पे वर्क आते आज हम एक पर्सन को देखते हैं कि वो दीवार पे पेंट कर रहा है हम उसको कहते हैं ये पेंटर है दिहाड़ीदार -द्याड़ मजदूर है बाहर यूरोप में वो एक स्किल है ठीक आज हम देखते हैं कि एक मोची एक जूते को सिलाई कर रहा है लेकिन बाहर यूरोप में वो एक स्किल है वहां पे आपकी जो एजुकेशन है वो स्किल्स की बेस्ट पे दी है यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन है वो आपको नॉलेज की बेस्ट पे दी जाती है ठीक है तो दोनों चीजें गलत नहीं है दोनों चीजें सही है फर्क क्या है हमारी अंडरस्टैंडिंग का हमारे सीखने में फर्क है अगर सिर्फ आप एक रटी रटाई किताबों को पढ़ के अपने एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने अपनी ग्रेजुएशन को थ्री प्लस जी में पास आउट कर लिया है तो इट्स नॉट अ मीन कि आप skillful person आप स्किलफुल पर्सन पर्सन हैं हैं नॉलेजफुल स्किल्स और नॉलेज हमेशा आपके सीखने और आपके करने से आते हैं कभी आपके पढ़ने से नहीं आते मैंने अपनी एजुकेशनल लाइफ से इतना नहीं सीखा जितना मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सीखा है मुझे भी बहुत सारी डीमोटिवेशन मिली है जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था माय फैमिली वाज टोटली अगेंस्ट और अभी तक अगेंस्ट है क्यों क्योंकि उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा बेटा यूनिवर्सिटी पढ़ के आएगा जॉब करेगा उसकी एक फिक्स सैलरी होगी लेकिन मैं अपने लिए करियर नहीं चूज करना चाहता था मुझे दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं है मुझे अपनी के लिए काम करना अच्छा लगता है मैं उन चीजों के अकॉर्डिंग वर्क करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है जिससे जो मेरे मुझे अपने गोल्स की तरफ मूव ऑन करती हैं आज ऑनलाइन करियर के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं जहां पे हम उन चीजों को प्रॉपरली सीखते तो हैं डिफरेंट चीजों के बारे में लर्न करते हैं प्रॉपरली हम पैसा लगाते हैं टाइम लगा एफर्ट्स लगा लेकिन उसके बदले जब हम प्रैक्टिकल काम करने जाते हैं तो स्टिल जीरो तो ऐसे स्किल्स को मत सीखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा आपका टाइम और आपकी मनी को वेस्ट कर रहे हैं। उन चीजों को सीखें जिनको आप लाइफ टाइम करियर चूज कर सकते हैं जो आपको एक प्रॉपर श्योरिटी देता है आपको प्रॉपर कंप्लीटली फ्रीडम देता है सिर्फ ये फ्रीडम नहीं है कि अपनी मर्जी से काम करना है ये फ्रीडम नहीं है घर बैठ के काम करना है ये फ्रीडम नहीं है कि जितना काम करेंगे उतना पैसा कमाएंगे ये फ्रीडम नहीं है कि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है फ्रीडम आपके वर्किंग के अकॉर्डिंग भी है अगर आप एक काम को कर रहे हैं और उसको कुछ टाइम के लिए क्वाइट कर देते हैं छोड़ देते हैं हर इंसान के साथ अप्स एंड डाउन मौजूद है अगर आप उसको छोड़ दें तो वो काम आपका डिस्टर्ब ना हो यह है आपका फ्रीडम ठीक मोस्टली एस ऑनलाइन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हीं चीजों के ऊपर ही वर्क कर थीक? आज ऑनलाइन कैरियर के अंदर स्किल्स तो बहुत सिखाए जा रहे हैं बहुत से एंटरप्रोर्स बहुत से फ्री बहुत से ग्रुप्स काम कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्किल ही से सिखाए जा रहे हैं किस स्किल सीखो डिजिटल स्किल सीखो अग देखें एक सिंपल सी बात है अगर आप एक डिजिटल स्किल्स को सीख रहे आपके पास एक प्रॉपर प्रोडक्ट के पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है आप कहाँ पे जाके उस सर्विस को बेचेंगे आप कहाँ पे जाके उस अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे ठीक है स्टिल दो में ऑफिशियली एमेजोन का ऑफिस पाकिस्तान में बना इन कराची बट स्टिल जो लोग भी अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं मोस्टली एटी परसेंट आर वर्किंग विद इंटरनेशनली क्लाइंट्स द रीजन पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट ही नहीं है कोई एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको ऑफिशियली वो उस चीज के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा के उसको सेल्यूट करें ठीक तो इन चीजों के अकॉर्डिंग बात ये करेंगे कि आने वाला जो टाइम है बेशक वो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर तो जरूर है लेकिन ऑनलाइन सिस्टम के अंदर आपको प्रॉपरली स्किल्स प्लस आपको प्रोडक्ट ये दोनों चीजें होंगी तो आप अपने कंट्री के लिए कामयाब एक सक्सेसफुल इंसान होंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्किल्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं सर्विस के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो कोई भी सर्विस इतनी सक्सेसफुल नहीं होती कि वो आपको लाइफ टाइम के लिए बैठ के खिला सके आप कोई भी एक सर्विस उठा के देख लें ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन में भी तो सिर्फ अगर आप स्किल्स के ऊपर काम करेंगे तो वो या सॉरी सिर्फ आप सर्विस के ऊपर काम करेंगे तो वो सर्विस आपको कभी भी लाइफ टाइम कैरियर नहीं बना वो फिर आप एक पार्ट एक टाइम में करते हुए आप अपनी एजुकेशन आप अपनी जॉब आप अपने किसी बिजनेस को टाइम दे रहे हैं ठीक तो ऑनलाइन इंडस्ट्री एक प्रोफेशन है और ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है फर्क क्या है कि यहाँ पे जिस वे में काम हो रहा है वो वे गलत है उस वे को करेक्ट करने के लिए हमें एक राइट चीज की तरफ प्रॉपरली मूव ऑन करना है और मूव ऑन करने से पहले पहले हमें उसके बारे में कंप्लीट लर्निंग है तो हर पर्सन अब आ, सेल्फ बीइंग अ एक सेल्फ बिलीव रखते हुए वो किस तरह से अपनी गोल्स की तरफ मूव ऑन हो सकता है उसके लिए जरूरी है कि वो अपने प्रॉपर गोल्स की सेटिंग करें तो आप सब पर्सन यहां पे जितने भी मुझे लाइव सेशन में सुन रहे हैं, वो सब अपने पास अपनी कॉपी और पेन को लेके आए जल्दी से एवरीवन प्लीज फास्ट अपने पास है तो प्लीज आप चैट में मुझे बता सकते हैं ओके अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी हैं आप एक स्टूडेंट हैं टीचर हैं आप कोई जॉब करते हैं हैं कुछ कुछ भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अपनी जात को देखें कि आपको किस चीज क्या चीज करने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है आपको लोगों की हेल्प करने में खुशी मिलती है आपको किसी को सपोर्ट करने में खुशी मिलती है या आपको कोई भी चीज है आपको ज्यादा पैसा कमाने में खुशी मिलती आपको ज्यादा ट्रेवल करने में खुशी मिलती है वट एवर जिस चीज से भी आपको खुशी मिलती है उसको आप अपने पास राइट डाउन कर लें उसको प्रॉपर डिटरमाइन करें जिस चीज से अपने आप को डिटरमाइन करें जिस चीज से आपको खुशी मिली है मिलती है उस चीज को अपने पास राइट डाउन कर लें ठीक अब उस चीज के ऊपर प्रॉपर वर्कआउट करें ये काम ये चीजें जिस चीज के ऊपर वो वो है जिस वो किस जरिए से आप कंप्लीट कर सकते हैं कौन सा सोर्स होगा विच सोर्सेज आप किस तरह से अपनी उस गोल को अपने उस काम को सर अंजाम दे सकते हैं वो अपने नोडली ये चीजें आपको मोटिवेट हैं। जब आप इस प्रॉपर इंप्लीमेंट कर प्रॉपर इसके ऊपर आप आप प्लान करते हैं। आप प्लान करते करते हैं, ऊपर हुए एक्शन के बाद प्रॉपर इसके ऊपर एफर्ट्स करते हैं एफर्ट्स के साथ साथ टाइम लगाते हैं और योर गोल विल बी अचीव आपको जब वो आपकी अचीवमेंट होती है आपको हैप्पीनेस मिलती है वो हैप्पीनेस है आपकी मोटिवेशन ठीक अब उस मोटिवेशन को यूज करते हुए आप डिफरेंट इमेजिनेशन को यूज करते हैं जो अपने जो आपने अपने लिए एक चीज सोची हुई होती है उस चीज़ के ऊपर आप प्रॉपर इमेजिनेशन कि ये काम मुझे और किस तरह से करना है अगर मैं इससे और ज्यादा करूं तो मुझे और ज्यादा खुशी मिलेगी मेरी जात और ज्यादा एक्सप्रेस होगी और ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी इसके साथ साथ आप कुछ नई चीजें क्रिएटिविटी को पुट करते हैं जब वो आपकी क्रिएटिविटी आपके साथ इन्वॉल्व होती है वो आपको अपने काम में और ज्यादा इन्वॉल्व कर लेती है आपका इंटरेस्ट और ज्यादा पैदा हो जाता है फिर आप अपने इंटरेस्ट को लेते हुए उन चीजों को आप अपने जो बिग गोल्स होते हैं उनको प्रॉपर सेट करते हैं कि मैंने एक साल के अंदर एक बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनना है मैंने एक साल के अंदर एक बेस्ट वेब डेवलपर बनना है मैंने एक साल के अंदर एक बेस्ट मेडिकल कंसल्टेंट बनना है मैंने एक साल के अंदर एक बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके ऊपर फिर आप प्रॉपर अपने लिए एक आर्मी को सेट करते हैं वो आर्मी क्या है वो आर्मी आप ही की तरह के आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं जो आपके जैसा इंटरेस्ट रखते हैं और आप एक अपनी टीम बना के उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और अपने एक गोल को अचीव करते हैं और ना सिर्फ आप खुद को अचीव करते हैं बल्कि हर पर्सन उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ मिलके काम करते हैं वो अपने अपने गोल्स को अचीव करता है ठीक अब आते हैं कि हमारा मिशन क्या है हम प्रॉपरली एक ऑफिशली तीन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रॉपर कंप्लीट गाइडलाइन वो गाइडलाइन क्या है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं इन फ्यूचर आप एक बेस्ट डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं वट एवर योर डिजायर आर जो भी आपके डिजायर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर गाइडलाइन आपको प्रॉपर वही स्किल्स जो आप

चले आगे हमार हम एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को राइज़ करते हैं जिसके अंदर आप घर बैठ के काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं बट अगर आप उसको क्वाइट भी कर दें तो इस चीज का गर्ज नहीं आपको वो लॉस नहीं देगा यू हैव अ एक्चुअल फ्रीडम एट द एंड ऑफ सेशन अगर किसी को कोई भी मुझसे क्वेश्चन है सेशन के अकॉर्डिंग कुछ और क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है और अगर जो यहां पे किसी अदर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हुए हैं सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के नेम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि जो भी पर्सन आपकी यूनिवर्सिटी से हमारे साथ ऑफिशियली वर्क कर रहा है तो आई विल डायरेक्टली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद दैम